Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. बिहार में निर्दलीय तौर पर पूर्णिया से नवनिर्वाचित सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के खिलाफ पुलिस ने कथित वसूली और रंगदारी को लेकर मामला दर्ज किया है। ये मामला सोमवार को दर्ज किया गया। ये घटना 4 जून की बताई जा रही है। पूर्णिया के ही एक व्यापारी ने पप्पू यादव के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। अब इस पर पप्पू यादव ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। और 2021-22 में कौन बात किया 2021-22 में कौन बात किया 2021 में किसने बात की? ये व्यक्ति पहले संतोष कुशवाहा के पर भी एफआईआर किया हुआ था। यह व्यक्ति कई लोगों को मां बहन गाली गलौज किए हुआ है, सबका वीडियो वायरल है। यह व्यक्ति अपने सारू के बच्ची को प्रेगनेंस करके लेके भागा गया था, वो भी एफआईआर लॉज है अपने सारू के बेटी को। यह व्यक्ति डेली दारू पी, उसका डीएनए टेस्ट आज करवा लीजिए, डेली दारू पीता उसके ब्लड में। ये मधेपुरा का अमित कौन है हम जानते भी नहीं। स्कूटी भी इंजीनियर है BSNL के रांची का। अब उस अमित का स्कूटी इंजीनियर का उससे क्या लेना देना होगा? स्कूटी इंजीनियर मेरे शागिर्द कैसे हो जाएंगे? जब BSNL के वो स्कूटी इंजीनियर है तो आप लोगों को पूछ लेना चाहिए स्कूटी साहब से। और उसके बाद 21 का में क्या बातचीत हुई 22 में? तो 21-22 के 4 साल के बाद SP साहब को ये FIR दर्ज करना चाहिए इस फ्रॉड का। ये तो निश्चित रूप से एक प्रतिष्ठा का हनन की ही ना एक कोशिश की गई, तो उस पर मानहानि का मुकदमा भी होगा। हाई कोर्ट में इस FIR की ऑथेंटिसिटी का कल हम करने भी जा रहे हैं, पूर्णिया में भी करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से जब जीवन में है जिसकी हैसियत ही 20 लाख ना हो, और जिस पप्पू यादव की हैसियत डेली 20 लाख 50 लाख बांटने की, उस पर भी कितना पैसा देखा है। और जो लोग इस तरह की चैनल्स को और सोशल मीडिया से भगवान बचाए, मैं पैर पकड़ता हूँ चैनल के साथियों को। आप लोगों की मदद सिर्फ पप्पू यादव करता है। एक घर तो डनिया बकसिए, एक को घर तो बकस दिया कीजिए, किसी को आप लोग नहीं छोड़ते हैं। आप लोग किसी के हैं या नहीं? साजिश के तहत हुई है क्या? साजिश है भैया, फिर वही बात, आप लोग किसी के हैं कि नहीं, हम आप लोगों के बारे में जानना चाहते हैं। आप लोग का ये किसी का है कि नहीं? जिस थाली में खाते हैं उसी में आप लोग छेद करते हैं। जो आदमी डेली 10-20 लाख रुपया बांटता हो उस पर भी कोई बात हो सकती है, और जिसको हम जानते नहीं हो। आप जांच करते ना कि पप्पू यादव से कभी मिले कि नहीं, पप्पू यादव से इनकी बातचीत हुई कि नहीं, 21 की बातचीत कब, वो पनोरमा ग्रुप के एक संजीव मिश्रा है, पनोरमा ग्रुप के एक संजीव मिश्रा है जिनका वो 1 करोड़ रुपया रखे हुए, उनका चेक बाउंस है पनोरमा ग्रुप के संजीव मिश्रा के साथ। सलंदर नाम का एक लड़का है मधेपुरा का, वो भी बिजनेसमैन है, उसका भी चेक बाउंस है। 21 में एक पंचायती हुई थी जिसमें उनको पनोरमा के संजीव मिश्रा का पैसा देने की बात, संजीव मिश्रा मारपीट कर रहा था तो हम ही बचाव करके बोले भैया पैसा दे दो, मारपीट मत कीजिए। 21 के बाद आज तक कभी जाने नहीं समझे नहीं। 24 में उस दिन कौन अमित उसको क्या फोन किया, SP साहब से हम हाथ जोड़ के पूछते हैं और DIG साहब से, कह देंगे कोई फलना आदमी आपके कौवा कान लेके चला गया तो आप FIR लॉज करिएगा। और उस आदमी से जिस आदमी ने जिसका केस दर्ज है, एक पंडित जी ने केस दर्ज किया है, ब्राह्मण को मां बहन लगा के गाली दिया हुआ है, वीडियो वायरल है, जिसने अपने सारू की बेटी को भाग गया प्रेगनेंसी कर दी, सारू ने केस किया है कोढ़ा थाना में, जो लड़की के साथ सिल्लीगुड़ी में पकड़ाया वो केस है, और उस आदमी के अथॉरिटी जो डेली दारू पीता है, लकड़ी चीरता था मधेपुरा में, कहां से पैसा आया लकड़ी का वो व्यापारी, तो ऐसे बकस दीजिए। मैं पैर पकड़ता हूँ आप लोगों से, मैं पैर पकड़ता हूँ। इसमें आप लोगों की भूमिका सबसे ज्यादा है। आप लोग किसी के नहीं है समझे, बड़ों के बाप कनियों के बाप, चित भी मेरी पट भी मेरी। आप लोग से भगवान बचाए इस दुनिया को।